Students, now we are going to cover very important topic of this chapter, that is free fall derivation. Free fall derivation का मतलब है जब भी कोई object नीचे गिरता है under the influence of gravity, तब हर point पे mechanical energy constant रहती है. जैसे मैंने इस diagram में assume करा कि object A position से लेके जमीन पे गिर रहा और जमीन वाली position को C ले लिया, तब यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. और मैंने यहां पे तीन पॉइंट्स प्लॉट करे, ए द टॉप मोस्ट पॉइंट, एक बी पॉइंट ले लिया कहीं पे भी बीच में, एकदम एग्जैक्ट सेंटर नहीं लिया मैंने, कहीं पे भी बीच पे ले लिया पॉइंट, और सी पॉइंट ले लिया जमीन वाला पॉइंट. अब मैं प्रूव करूंगा कि पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी और पॉइंट सी पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम है. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखना. जब ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे फेंकेंगे ए पोजीशन से, तब हाथ में पकड़ा होगा ऑब्जेक्ट, जब हाथ में ऑब्जेक्ट पकड़ा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. तो मैंने वी को ले लिया यहां पे जीरो. अब यहां पे ध्यान से देखिए कि मैंने ये ज्यूम करा ए से लेके सी तक, मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके जमीन तक डिस्टेंस है एच, और जो सा बी पॉइंट है यानी ए से बी तक आते हुए एक्स डिस्टेंस कवर करा. अब B से C तक कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहां तक H है इतना डिस्टेंस X है, तो इतना डिस्टेंस होगा H माइनस X, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे H माइनस X आ जाएगा. तो यहां पे V जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मींस A पॉइंट की जमीन से कितनी हाइट है H है, तो मैंने यहां पे H ही लिखा. काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर. अब मैंने वेलोसिटी की जगह जीरो लिख दिया, मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच प्लस जीरो इज व्हाट एम जी एच. सो मेरे पास क्या आया, मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे एम जी एच आ गई. अब ए से बी तक आते हुए ये याद रखना, जो यहाँ पे वी होगा वो बी के लिए यू होगा, जो बी पे वी होगा वो सी के लिए यू होगा. अब ए के लिए वी था जीरो, तो B के लिए U हो गया जीरो, इसका V इसके लिए U. हमारे को सभी को पता है V square is equal to U square plus 2GS. S means distance कितना cover करा, इसका V इसके लिए U. S means यहां से लेके यहां तक कितना distance cover करा, यहां से लेके यहां तक आते हुए distance cover करा X, तो मैंने S की जगह पे X लिख दिया. अब V square कितना हो गया मेरे पास, V square हो गया 2GX, V square is 2GX, kinetic energy is हाफ एम वी स्केयर. अब वी स्केयर की जगह पे मैंने 2GX लिख दिया, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई MGX, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MGX. अब B पॉइंट की धरती से कितनी हाइट है, B पॉइंट की धरती से हाइट है H माइनस X. अब मैंने यहाँ पे H माइनस X लिख दिया हाइट की जगह पे, MGH फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पर H की जगह पे मैंने H माइनस X लिखा, क्योंकि B की हाइट धरती से H माइनस एक्स है, इसीलिए यहाँ पे H माइनस एक्स लिखा. ब्रैकेट्स खुली, MGH माइनस MGX हो गया. अब मैकेनिकल एनर्जी आप सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी हमने MGX निकाली, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखी. पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मेरे पास, MGH माइनस MGX, मींस मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. ये MGX के साथ MGX कट हो गया, मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे MGH आ गया, मींस B पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी MGH हो गई. अब C पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ का V स्क्वायर होगा B पॉइंट के लिए, जो B का V होगा वो C के लिए U होगा, मींस इसका V स्क्वायर इसके लिए U स्क्वायर, मींस अगर B पॉइंट पे V स्क्वायर 2GX है तो C पॉइंट के लिए U स्क्वायर क्या हो गया 2GX. मैंने C पॉइंट के लिए U स्क्वायर की वैल्यू 2GX लिख दी. अब मेरे को पता है v square is equal to u square plus 2gs. अब u square इसके लिए 2gx हो गया, देखिए 2gx u square हो गया. s means distance, b से लेके c तक आते हुए कितना distance cover करा, b से लेके c तक आते हुए s मेरा है h minus x. अब मैंने s के लिए h minus x लिख दिया, क्योंकि b से c तक आते हुए distance h minus x cover करा. अब जब brackets खुलेगी 2gx plus 2gh minus 2gx, ये कट गया, मेरे पास v स्क्वायर कितना आ गया 2gh. अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh. अब c पॉइंट की धरती से हाइट कितनी है जीरो, अब मैंने h की जगह पे जीरो लिख दिया, mg इंटू जीरो क्या होता है हमारे पास जीरो, यानी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे जीरो हो गई. काइनेटिक एनर्जी का आपको सभी को फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर.
हमने यहाँ पे इसका वी स्केयर कितना निकाला सी पॉइंट के लिए 2gh, यहाँ पे वी स्केयर की जगह पे 2gh लिख दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यानी काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली थी, mgh, यहाँ पे mgh आ गई। हर जगह पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी mgh, यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh, यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh, मींस हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। एक बारी फटाफट से क्विक रिव्यू देता हूँ आप सभी को, जो यहाँ पे v होगा वो b के लिए u होगा, जो b के लिए v होगा वो c के लिए u होगा। यहाँ पे मेरे पास v जीरो था तो इसके लिए u जीरो हो गया, मैंने फॉर्मूला लगाया v square is equal to u square plus 2gs। अब s means distance कितना कवर करा, a से लेके b तक डिस्टेंस कवर करा x, तो मैंने s की जगह पे लिख दिया x, v square कितना आ गया 2gx, यहाँ पे इतना लिख दिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है हाफ एम वी स्केयर, अब वी स्केयर की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने वी स्केयर की वैल्यू 2gx निकाल ली, 2gx लिख दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, mgx आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, अब v की धरती से कितनी हाइट है h माइनस x, तो मैंने यहाँ पे h माइनस x लिख दिया h की जगह पे, ब्रैकेट्स खोली mgh माइनस mgx आ गया। मैकेनिकल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस mgx, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया, mgh बच गया।